आप कैसे हो? तो भाई आज है ना हमजा, देखें इतना प्यारा लग रहा है, और ये वाला ड्रेस इसे पसंद ही नहीं पहनता, लेकिन आज पहन लिया। ऐसे आज क्यों पहना है? आपने पहना है, मैंने तो पहले भी पहनाया था, आपने नहीं पहना था तब, और इतना तमाशा किया था, डांट पड़ी थी। दुआ सलाम तो करो, कहाँ जा कहाँ रही हो? नहीं आज मूड नहीं है इसका। तो यहाँ पे ना नाश्ता करने के बाद है ना मैं ले आई हूँ चाय अपने रूम में ही, और मैं अभी पी रही हूँ चाय अपनी। तो यहाँ पे ना अभी मीर साहब नहा चुके हैं, बस बाहर जुमा भी होने वाला है, तो इसको भी नहलाया है, अभी हमजा को नहलाना है, तो इसे अभी कपड़े पहनाते, पहन नहीं रहा है, कहते बस ऐसे बैठा रहूँ। यहाँ पे देखिए ये है ना रेडी है, बस हमजा ने नहाना है, तो है ना बस अभी इसके बाबा आ जाए तो फिर है ना हमजा नहाएगा। और ये देखिए ये रेडी हो चुका है नहा के, और फ्रेश भी हो चुका है अच्छे से, मतलब उसे अच्छा फील हो रहा है नहा के। तो यहाँ पे हमजा भी नहा चुके हैं और जुमा भी हो चुका है, और अभी बाहर नाते पढ़ रहे हैं मस्जिद में, साथ ही मस्जिद है, सुन रहे हो छोटे छोटे बच्चों की भी आवाज़ है, आप कब मुझे सुनाओगे कोई नात? छोटे बच्चों की भी है इसमें आवाज़, आप कब याद करके सुनाओगे वो फुट? चलो हाँ करो 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 जल्दी से। और यहाँ पे देखें एक बाप अपने बेटे पे है ना तशद्दुद करते, जुल्म करते हुए, पहले उसने काटी की, अब ये क्या है? चल स्टार भैया बचाओ, वो कह रहे भैया। हाँ हाँ, और ये कब से भाई दोनों जंप लगा रहे, बेड की हालत देखो, बचाओ तो आगे आए और बचाओगे, ध्यान से ध्यान से। और भाई यहाँ पे दुआ ले आई, ओ दे दो नहीं खाओ उसकी, नहीं खाओ प्लीज उसके दे दो, आप ही से एक ले लो, आप ही एक दोगी? ना 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 बाबर, नहीं नहीं नहीं, वो आपको पता बदतमीज। तो यहाँ पे बाबर को देखे दीवार में ना हमजा को मार रहे जोर जोर से, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो उसको, खुदा का वास्ता, ओ बस 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 बेड की हालत ना ना वो ऊपर आराम से बैठ के अपना खा रहे, उसे कोई टेंशन नहीं, नहीं प्लीज। तो यहाँ पे अभी है ना मैं बच्चों के लिए है ना ये फ्राई कर रही हूँ पापड़, मेरे घर बैठे हैं तो चलो है ना फारिग तो खा लें, क्योंकि आज अली नहीं जा रहा था ट्यूशन, तो है ना फादिया हमजा भी नहीं गए, कहते हमें भी नहीं जाना, भाई नहीं जा रहा, तो खैर बस अभी इनके लिए बनाए हैं तो इनको है ना देती हूँ। और ये देखें यहाँ पे ना ये रेडी हो चुके हैं, तो बस अभी है ना बच्चों को बुलाती हूँ, उनको है ना देती हूँ अलग अलग प्लेट्स में, और है ना पापड़ बना लिए, पहले सबसे ना दूध बॉईल किया था मीर का, फिर पापड़ बनाए, अभी है ना ये कबाब मैं फ्राई कर रही हूँ, तो इसके बाद बनाऊँगी चाय, फिर चाय के साथ है ना कबाब लेंगे हम आज, क्योंकि भूख भी लग रही थी और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या खाया जाए, तो फिर है ना कबाब पड़े थे, मैंने कहा इनको ही फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे ना कबाब रेडी हो चुके हैं, आपा भी ले गई हैं, तो नाश्ता हम बहनों ने नहीं किया था ठीक से, तो अभी है ना वो कहती है ना इसी से अब खाते हैं रोटी इसी के साथ। ओए इधर तो देखो सोने, ओए माशाल्लाह भाई मेरी अच्छा है, मुंह पे चॉकलेट लगा होता तो अच्छा ही था, मीर चॉकलेट लगाया हुआ पूरा, इतना गंदा फेस किया हुआ मीर ने, देख रही हो? जाओ आपा वालों को दिखा, देख रही हो? मैंने पग करनी है, जाओ बोले पापा जाने पहले, ये क्या हुआ क्या हुआ? नहीं जा रहे वो, डर गए, बाहर से आवाज आई है ना। ओए 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 सद उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरे सदके जा। तो है ना यहाँ पे अभी है ना बाबर के ना बाबर फूडीज के लिए बन रहे हैं कुछ अनोखी रेसिपी, हमजा भी बना रहा है, हेल्प कर रहा है अपने बाबा, कैसे हमजा वो है, दो 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 देखे, ये भी हेल्प कर रहे हैं मीर साहब, थैंक यू थैंक यू। तो ये देखे जो पकौड़ियाँ बनाई थी ना उनको ना ग्रैंड कर लिया, और है ना ये तो बाबर के चैनल पे पता चलेगा इसका बनेगा क्या, जो भी बनेगा अच्छा ही बनेगा। और ये देखिए यहाँ पे ना मोती चूर के लड्डू बन चुके हैं जो के खाए सबसे पहले हमजा ने, कैसे मीर कैसे है
उससे तो अभी मिला ही नहीं। तो भाई है ना, बाबर ने जो बनाया वो बना लिए, बाकी जो रह गया अब बना रहे हैं आप। और अभी है ना हम टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि मोतीचूर के लड्डू कैसे। हाँ, देखने में तो आपस सेम वही है ना। खा के बताओ कैसा है। बना तो ले। अच्छा चलो पहले बना लेते फिर खाते हैं। क्या लड्डू खाएगा कश्मीरी बन जाएगा। कश्मीरी बन जाएगा जो लड्डू खाएगा। चलो खाओ खाओ आप, अच्छे से बनाओ। अच्छे थे लड्डू। हाँ सच्ची। हाँ वाह भाई वाह। तो भाई यहाँ पे देखो आ गए फ्राइज। फादिया खा रही है फ्राइज और साथ साथ रो भी रही है। लगता है मिर्ची लग गई है फादिया को। ऐसे मम्मा से मार पड़ी। चलो भाई इसको मम्मा से मार पड़ी है। खाओ खाओ। अच्छा चलो एक दे दो। तोबा तोबा। मैं अभी है ना ऐसे ही आके लेटी हूँ तो झगड़ा हो रहा है यहाँ पे गली में। कब से ऊंचे ऊंचे बोले जा रहे हैं एक दूसरे को, पता नहीं क्या 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 हो गया। माशाल्लाह से चांद भी इतना प्यारा लगा तो मैंने कहा देखूं किसका झगड़ा हो रहा है। एक तो झगड़े ही नहीं ख़त्म होते भाई दुनिया में। अब पता नहीं किसका हो गया क्या हुआ है। रात के टाइम सर्दियों में इतना ऊंचा लड़ रहे हैं भाई, आवाज़ तो जानी है भाई। अल्लाह के बंदो कहीं साइड पे जाके आराम से बात करो। नहीं माशाल्लाह चांद है ना बहुत प्यारा लग रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो खैर लगते इधर उधर हो गए इतनी देर झगड़ा करने के बाद। हाँ अब आराम से है ना झगड़ा कर रहे हैं। तोड़ूंगा पता नहीं क्या उसका सामने कहता है तुम्हारा मुँह तोड़ूंगा। खैर झगड़ा तो हो रहा है, अल्लाह पाक खैर करे बस। अल्लाह करे सुलझ जाए इनका झगड़ा भी। तो खैर मैं लेटती हूँ अब है ना कुछ आराम से झगड़ा कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पे अभी है ना बन रही है हमारी मज़ेदार सी चाय। तो बस सबने तकरीबन रेडी है तो डाल के बस चलते हैं, सबको देते हैं और ख़ुद भी पीते हैं। तो यहाँ पे अभी 2 बज रहे हैं और है ना मुझे अभी तक नींद नहीं आ रही। तो मैं अभी तक है ना जाग रही हूँ और कुछ समझ नहीं आ रहा कब तक आएगी। बच्चे भी सो गए तो खैर मैं जाग रही हूँ। नींद नहीं आ रही, दिमाग ऐसे ख़राब बस अजीब सदा कुछ सुन लेना ऐसा वैसा। तो अक्सर ऐसा होता है कि ना दिमाग ख़राब हो जाता है। तो मुझे वही हो रहा है कि किस तरह मतलब गली में खड़े होकर झगड़ रहे थे लोग सुन रहे थे, इतने लोग डिस्टर्ब हुए और मुझे इतना बुरा फील हो रहा था। और तब से है ना मैं लेटी ऐसे बेड पे आके लेटी हूँ तब इनका झगड़ा शुरू हुआ। तो मैं इतनी डिस्टर्ब हुई हूँ तो और भी काफ़ी लोगों ने सुना होगा। तो वही सोच सोच के और झगड़े का वो करके ना मेरी नींद उड़ी हुई है। तो यहाँ पे मीर और अमजा दोनों सो चुके हैं। हमारा पंखा भी चला हुआ है तो क्योंकि मच्छर वगैरह की वजह से भी चलाते हैं और मीर भी नहीं सोता गर्मी में तो पंखा तो हमारा चला ही रहता है। और रात के भी 3 बज गए पर मुझे है ना नींद नहीं आ रही। वो झगड़े की वजह से जो सुना है ना इतना ऊंचा ऊंचा वो मतलब बोल रहे थे कर रहे थे झगड़ा हो रहा था जो गली में। तो उसकी वजह से ना बस ऐसे ज़रा दिमाग ख़राब हो गया डिस्टर्ब हो गई हूँ तो नींद भी उड़ गई है। तो खैर नींद भी नहीं आ रही, काफ़ी कोशिश के बाद काफ़ी जाग रही हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा बंदा करे तो करे क्या। तो खैर जागते जागते सोचा बस यहीं पे ना व्लॉग का भी एंड कर लेती हूँ। तो इंशाल्लाह बस मिलेंगे कल नए व्लॉग के साथ। दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारी दुआ किया करें और बहुत शुक्रिया जजाकल्ला आप लोग इतनी दुआएँ कर रहे हैं। तो खैर इंशाल्लाह मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।